नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे हाई वोल्टेज ड्रामे में आज फिर एक नया मोड़ आ चुका है। कल शाम को मैंने आपको एक खबर दी थी कि सचिन पायलट ने गहलोत के किले में सेंधमारी कर ली है, गहलोत का किला पायलट ने ढा दिया है, इस तरह की मैंने खबर दी थी। आज उस खबर पर अंतिम मोहर लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज एक खबर निकल कर आ चुकी है कि राजन सिंह विदोही, बलजीत यादव, इन दोनों विधायकों ने कल बहुत ज्यादा हंगामा और जैसलमेर के होटल चूड़ेगढ़ पैलेस में किया। जी हाँ दोस्तों, ये एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहते थे, इसलिए अशोक गहलोत की नाराजगी के चलते इन्होंने खूब हंगामा जैसलमेर के होटल चूड़ेगढ़ में किया है। इसके अलावा एक विधायक ने तो अपना बैग उठा करके जो बाहर का रास्ता भी देख लिया था, गेट पर भी आ गए थे, लेकिन उसके बाद सुरक्षा कड़ी होने की वजह से उनको वहां से निकलने नहीं दिया और बाड़ेबंदी में दोबारा उनको कैद कर दिया गया। ये एक बड़ी खबर आ चुकी है। जिस तरह से मैंने आपको खबर बताई थी कल, उस पर अंतिम मोहर लग चुकी है। इसके अलावा दानिश अवरार भी बकरीद के दिन नमाज पढ़ने के लिए बाहर नहीं आए थे। जी हाँ दोस्तों, वो अपने कमरे में उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था। वो बकरीद के दिन जब अन्य जो मुस्लिम विधायक थे जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो वहां पर दानिश अवरार नहीं आए। उन्होंने अशोक गहलोत से नाराजगी के चलते इस तरह का कदम उठाया। ये सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं जिन्होंने अब अशोक गहलोत की नाराजगी के चलते पायलट के साथ जाने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने कमरे से बाहर आने से मना कर दिया था। अब इसके अलावा अगला नाम है दिव्या मदेरना का। जी हाँ दोस्तों, दिव्या मदेरना राखी बांधने के लिए अपने कमरे से बाहर है, वो नहीं निकली। यहां तक कि दिव्या मदेरना अपना खाना भी कमरे में ही मंगवा रही है, वो कमरे से बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि अशोक गहलोत ने इनके पिता के खिलाफ साजिश रच करके उनको जेल में डलवा दिया था और फिलहाल वो जेल में ही है। ऐसे में दिव्या मदेरना अशोक गहलोत से काफी नाराज चल रही है, लेकिन पार्टी के कई दबावों के चलते कहीं ना कहीं दिव्या मदेरना ने इस बाड़ेबंदी में अपने कदम रखे और अब अशोक गहलोत से बदला लेने का टाइम आ चुका है, इसलिए दिव्या मदेरना भी अशोक गहलोत के खिलाफ खड़ी हुई नजर आ रही है। ये सब विधायक गहलोत से नाराजगी के चलते बगावती सुर है वो अपना चुके हैं। पायलट भी वापसी के लिए उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सोनिया गांधी और सचिन पायलट के बीच में बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन सचिन पायलट अब कांग्रेस में वापसी करने को लेकर के कतई उत्साहित नहीं है। कांग्रेस ने गहलोत पायलट को हटा करके तीसरे इंसान को मुख्यमंत्री बनाने का प्रोटोकॉल दिया। जी हाँ दोस्तों, इस फार्मूले को लेकर के भी अब राजस्थान की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को हटा करके गोविंद डोटासरा, सीपी जोशी, इन दोनों में से किसी एक को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने का फार्मूला भी दिया गया, जिसको सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही टुकरा चुके हैं। अशोक गहलोत ने यहां तक कह दिया है कि जीतते जी, यानी कि जब तक गहलोत जिंदा है तब तक कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में उनके अलावा दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। कुल मिलाकर के अब राजस्थान कांग्रेस की राजनीति का असली घमासान शुरू हुआ है। अब तक सिर्फ ट्रेलर देखा गया था, अब पूरी फिल्म शुरू होगी। अब अशोक गहलोत भी समझ चुके हैं कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरह से अशोक गहलोत के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है, उसी के बलबूते पर अब अशोक गहलोत को ऐसा लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री की गद्दी बचा लेंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी हुई है और इसी का फायदा उठा करके अशोक गहलोत फ्लोर टेस्ट के लिए भी कहीं ना कहीं विश्वास मत पेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो मेरी तरफ से खबर आपको बताई गई थी गहलोत खेमे में, उनकी बाड़ेबंदी में, उनकी किले में सेंधमारी करने की, उस खबर पर अंतिम मोहर लग चुकी है। 4 से 5 ऐसे विधायक हैं गहलोत खेमे में वो जो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत से काफी नाराज हैं, जिनमें से एक राजन सिंह विदोई है, इसके अलावा बलजीत यादव हैं, इसके अलावा दानिश अवरार हैं, इसके अलावा दिव्या मदेरना हैं और एक पांचवा विधायक जो अपना बैग उठा करके जो होटल के गेट पर आ चुके थे, उनके नाम के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में
हो रहे सियासी ड्रामे में अब एक नया मोड़ आ चुका है। बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय पर हाईकोर्ट ने एक बार दोबारा विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस भेजा है और कल 6 अगस्त सुबह 10:30 बजे तक जवाब भी मांगा है। जी हां दोस्तों, बीएसपी और मदन दिलावर जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि विधानसभा स्पीकर ने जिस तरह से इन 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय को सही ठहराया है उस मामले को लेकर के जब तक अंतिम फैसला नहीं होता है तब तक बीएसपी के 6 विधायकों पर हमें स्टे दीजिए यानी कि रोक लगा दीजिए इनके सभी अधिकारों को ताकि ये किसी तरह का अपने वोट का अधिकार है वो प्रयोग में ना ला सके। यानी कि गहलोत सरकार की मुश्किलें इसमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से अभी तक स्टे नहीं दिया गया है, कल इस पर दोबारा सुनवाई होगी 10:30 बजे स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से जवाब दिया जाएगा और हाईकोर्ट के समक्ष है वो पेश होंगे। तब इस सुनवाई में हाईकोर्ट की तरफ से इन 6 विधायकों को लेकर के स्टे देने से संबंधित कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बीएसपी को स्टे मिलना भी तय हो चुका है। जिस तरह से आज सुनवाई के दौरान रवैया रहा, स्पीकर को नोटिस भेजा गया है, कल फिर से इस पर सुनवाई होनी है 10:30 बजे। रक्षाबंधन के दिन जब अशोक गहलोत जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में महिला विधायकों से राखी बंधवा रहे थे उस टाइम कांग्रेस की विधायक दिव्या मदीरना वहां पर दिखाई नहीं दी। वो सिर्फ होटल में इसलिए मौजूद है क्योंकि उन्हें फ्लोर टेस्ट का इंतजार है। कुल मिलाकर के दिव्या मदीरना के साथ 3 से 5 विधायक गहलोत से एक तरह से काफी नाराज हैं और उन्हें सिर्फ फ्लोर टेस्ट का इंतजार है। फिलहाल सही वक्त का इंतजार ये लोग कर रहे हैं। जिस तरह से सचिन पायलट के साथ इनकी जो बैठकें हैं वो ज्यादा नजर आई है, ये सचिन पायलट खेमे के विधायक बताए जा रहे हैं। उन्होंने अशोक गहलोत खेमे में अब घमासान मचा करके रख दिया है। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, ये हर रोज हंगामा कर रहे हैं। 14 अगस्त को फ्लोर टेस्ट करवाया जा सकता है, अन्यथा 17 अगस्त तक बहुमत साबित करना ही होगा। सचिन पायलट को सीएम गद्दी नहीं सौंपी गई तो सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। मैं आपको समीकरणों के साथ बताऊंगा कि गहलोत खेमे के पास कितने विधायक हैं, पायलट खेमे के पास कितने विधायक हैं, बीजेपी के पास कितने हैं और किसके आधार पर सरकार है वो बन सकती है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अशोक गहलोत 102 विधायकों का दावा ठोक रहे हैं जिसमें कांग्रेस के 82 विधायकों का दावा है और कांग्रेस के जो बीएसपी से आए हुए 6 विधायक हैं उनका भी दावा है। सीपीआईएम के 1 विधायक का दावा कर रहे हैं, आरएलडी के 1, बीटीपी के 2, निर्दलीय 10, यानी कि जो कुल मिलाकर के संख्या बनती है वो बनती है 102 की। लेकिन इसमें विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी भी शामिल है जो दोनों तरफ से वोटिंग की संख्या बराबर रहेगी तभी वोट कर पाएंगे। यानी कि पक्ष की तरफ से भी 98 वोट पड़ते हैं और विपक्ष में भी 98 वोट पड़ते हैं तब स्पीकर सीपी जोशी है वो अपना वोट डाल पाएंगे। ऐसी स्थिति में स्पीकर अपने वोट का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अन्य स्थिति के अंदर स्पीकर सीपी जोशी अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। दूसरा, अशोक गहलोत के मंत्री हैं भंवरलाल मेघवाल, वो अस्वस्थ हैं जो एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती हैं और कोमा में हैं, वो भी ब्लड टेस्ट के दौरान अपने वोट के अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इस पूरे समीकरण को देखा जाए तो गहलोत के पास संख्या बचती है 100 की जो बहुमत साबित नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पायलट खेमे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं है और जिस तरह से 100 की संख्या बन रही है उनमें दिव्या मदेरना, इसके अलावा बलजीत यादव, राजन सिंह विदुही, इसके अलावा दानिश अबरार, इसके अलावा एक जो बैग उठाकर के होटल से बाहर आए थे वो विधायक, ये 5 भी शामिल हैं। यानी कि 100 में से इन 5 को घटा दिया जाए तो 95, और 95 से चाहे बीएसपी के विधायकों को लेकर के स्टे बीएसपी को मिल जाती है तो देखिए कि 89 विधायक ही कांग्रेस के पास रहते हैं लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 101 विधायक। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार है वो बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, गहलोत सरकार का गिरना तय है। दूसरी तरफ कांग्रेस और गहलोत के अनुसार सचिन पायलट के पास हैं कांग्रेस के 19 विधायक और निर्दलीय 3, यानी कि 22 विधायकों के बारे में ही बताया जा रहा है गहलोत की तरफ से, ये अशोक गहलोत का दावा है। लेकिन जिस तरह से 22 विधायक इनके पास पहले से थे और 2 विधायक गहलोत खेमे से फरार होकर के पायलट खेमे में पहुंच चुके हैं, इनकी संख्या 24 हो चुकी है। उनमें से 20 को पायलट ने गुजरात भेज दिया है और 3 विधायकों के साथ खुद सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद है। तीसरी ओर बीजेपी के पास है 72 खुद के, आरएलपी के हैं कुल 3,
सब टोटल मिलाकर के बन जाती है 75 विधायक है। लेकिन ऐसी स्थिति में गहलोत से बगावत करने वाले 5 विधायक और इसके साथ ही पायलट के जो 22 विधायक हैं उनको मिलाकर के यदि बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो बीजेपी के सामने भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के बहुत ही ज्यादा समस्याएं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में सहमति नहीं हो पा रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को पहले से ही बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को यदि सीएम गद्दी सौंपी जाती है तो आरएलपी कभी भी वसुंधरा को समर्थन नहीं करेगी। आरएलपी के तीनों विधायक निश्चित तौर पर वसुंधरा के लिए कतई राजी नहीं होंगे, और ऐसे में सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी जाती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी में भी काफी ज्यादा असहमति होगी। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के भी बगावती सुर देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि वसुंधरा के खेमे में 45 विधायक हैं, पुनिया और राठौड़ के गुट के अंदर 7 विधायक हैं और संघ की पृष्ठभूमि से बीजेपी में 20 विधायक हैं। ऐसे में वसुंधरा का खेमा सबसे बड़ा है, इसलिए वसुंधरा को सीएम गद्दी यदि सौंपी जाती है तो आरएलपी कतई जो वसुंधरा को सपोर्ट नहीं करेगी। ऐसे में सिर्फ एक ही चारा बचता है कि अशोक गहलोत से बगावत करने के बाद सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री की दावेदारी करवाई जाए और बीजेपी ऊपर से सचिन पायलट को समर्थन करे, जिसकी वजह से गहलोत सरकार गिरेगी, सचिन पायलट सीएम गद्दी पर बने रहेंगे। लेकिन ये बात की बातें हैं कि बीजेपी कब तक जो सचिन पायलट को समर्थन कर पाएगी, इसको लेकर के अभी संशय बरकरार है। लेकिन अब चारा यही बच गया है कि सचिन पायलट की दावेदारी करवा करके बीजेपी ऊपर से समर्थन करे और सरकार चलती रहे। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे इस सियासी ड्रामे में अब नए नए मोड़ आ रहे हैं, और यदि भारतीय जनता पार्टी और अशोक गहलोत दोनों ही सरकार ना बचा पाए, उसके बावजूद भी सचिन पायलट को दावेदारी ना करवाई जाए, तो कन्फर्म है कि विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट के दौरान जैसे ही गहलोत सरकार बहुमत का आंकड़ा खोएगी तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन है वो लागू कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के इसी मामले को अब अशोक गहलोत भी परख चुके हैं, इसलिए सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों पर जो देशद्रोह का मामला लगाया गया था विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के, वो भी हटा दिए गए हैं। कहीं ना कहीं सचिन पायलट को खुश करने के लिए अब अशोक गहलोत सरकार की तरफ से इस तरह का कदम लिया गया, उठाया गया है। राष्ट्रद्रोह का मामला सचिन पायलट खुद पर लगाया गया था, विश्वेंद्र सिंह जो मंत्री थे इनके उन पर लगाया गया था, भंवरलाल शर्मा पर लगाया गया था, यानी कि कुछ विधायकों पर राष्ट्रद्रोह का जो मुकदमा गहलोत सरकार की तरफ से, अशोक जी की तरफ से, एटीएस की तरफ से लगाया गया था, उसको अब हटा लिया गया है और इसकी पूरी जांच है वो विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के एसीबी को सौंप दी गई है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत सरकार की ये मनगढ़ंत कहानी थी और राजद्रोह का मामला बनता ही नहीं था, और ऐसे में अब ये राजद्रोह का मामला यदि इन विधायकों पर लगाया जाता तो ये जांच एनआईए को सौंप दी जाती, और एनआईए को जांच सौंपने के बाद निश्चित है कि गहलोत की सारी पोल पट्टी खुल करके सामने आ जाती, और इसी डर के चलते अशोक गहलोत ने राष्ट्रद्रोह का मामला सचिन पायलट खेमे के विधायकों से उठा लिया है। कुल मिलाकर के दो तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं, जिसमें दोनों में दावे हैं वो ठीक दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ तो सचिन पायलट को खुश करने की कोशिश अशोक गहलोत कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो अशोक गहलोत सरकार की पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाती, इसी डर से अब राष्ट्रद्रोह का मामला इन विधायकों से उठा लिया गया है। कुल मिलाकर के अब सचिन पायलट खेमे के विधायकों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, और जिस तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में ये जो सियासी ड्रामा चल रहा है उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि अशोक गहलोत को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, चाहे सोनिया गांधी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए या फिर बीजेपी के समर्थन से सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे सीएम निश्चित तौर पर सचिन पायलट ही। ऐसे में अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में राजस्थान की मुख्यमंत्री गद्दी का चेहरा चेंज होना तय हो चुका है। फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार हैं? क्या गहलोत खेमे के ये पांचों विधायक अशोक गहलोत को फ्लोर टेस्ट के दौरान जो सहमत होकर के उनके पक्ष में वोटिंग कर पाएंगे, या फिर ये सभी के सभी सचिन पायलट के साथ खड़े होंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।